हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने साल के पहले दिन ऑपरेशन चलाकर अफीम की बड़ा खेप बरामद किया है। लगभग 1 करोड़ रुपए की अफीम और 13 लाख रुपए नकद बरामद किया है। हजारीबाग एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि किरेदारी थाना अंतर्गत अफीम का गोरख धंधा चल रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए घोलटावीर टोला अंतर्गत कामेश्वर साहू के घर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने घर से प्लास्टिक के 20 लीटर वाली बाल्टी में 19 किलो 400 ग्राम अफीम और दूसरे कमरे में 13 लाख रुपया कैश बरामद किया। 1 जनवरी 2023 को मुझे गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि केरेडारी में एक घर में काफी भारी मात्रा में अफीम रखा हुआ है। इस सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए मैंने एक टीम का गठन किया, जिसमें डीएसपी सीसीआर आरिफ इकराम, अंचल निरीक्षक पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह, थाना प्रभारी केरेडारी साधन चंद्र गोराई के नेतृत्व में एक टीम उस घर में गई जहाँ पे हम लोगों को सूचना थी। जब उस घर की हम लोगों ने विधिवत तलाशी ली, उस घर से 19 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद किया गया। साथ ही उस घर से 13 लाख रुपए हम लोगों ने बरामद किए हैं। ये हमें संदेह है कि ये जो अफीम का कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं चतरा हजारीबाग के बॉर्डर पे जो अफीम उगाया जाता है, उन तस्करों से लेकर के जो दिल्ली हरियाणा पंजाब में अफीम लेकर के जाते हैं, उन तक इनका कनेक्शन रहा होगा। हम लोग अभी गहराई से इसकी जांच कर रहे हैं। जिनके घर से ये अफीम बरामद हुआ है, उनका नाम कामेश्वर साहब है, उनकी जो पत्नी है रुदनी देवी, उनका इस कांड में हम लोगों ने गिरफ्तारी किया है। उनके स्वीकारोक्ति बयान में जो बताया गया है, इनके दामाद ज्ञानी साहब है। ये ज्ञानी साहब ने ही ये पैसा और ये करीब 19 किलो 400 ग्राम अफीम इनके घर में ला करके रखा हुआ था और ये आगे डिलीवरी देने की इनकी योजना थी। इसमें ये काफ़ी हेवी मात्रा में अफीम हम लोगों ने बरामद किया है। मुझे उम्मीद है कि इसमें जब हम डीप अनुसंधान करेंगे, बृहद रूप से हम लोग तह तक जाने की कोशिश करेंगे, तो कई लोगों के चेहरे इसमें बेनकाब होंगे जो इस धंधे में संलिप्त थे। हजारीबाग पुलिस के लिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी उपलब्धि है। साल के पहले ही दिन एक अच्छा उपलब्धि हम लोगों ने किया है। जो पकड़ा हुआ अफीम है, इसकी करीब करीब कीमत 1 करोड़ रुपये है और उसके अलावा 13 लाख रुपये कैश में बरामद हुआ है, तो करीब 1.25 करोड़ रुपए के आसपास का सामान हम लोगों ने साल के पहले ही दिन बरामद किया है। हजारीबाग पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पूरे टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका बधाई देता हूँ कि उनके द्वारा इस तरह का काम किया गया है। इसमें जो लोग शामिल है, ज्ञानी साहब, पिता कैला साहब, इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापामारी कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी होने के बाद आगे के जो चीज़ें हैं, यह अफीम कहाँ से आया है, कहाँ जाने वाला था, यहाँ हजारीबाग में इनके कौन साथी है, आदि सभी चीज़ों की पुष्टि हो पाएगी और आगे हम लोग फिर NDPS और पिट्स NDPS एक्ट के तहत जो भी कार्रवाई इसमें करनी है वो हम लोग करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।